आइए अब जो मेजर इशू है मेरे ख्याल से आज के डेट में जो करंटली मेजर इशू चल रहा है, जेएनयू का इशू चल रहा है, उस पर कुछ दो टिप्पणियां हो जाए और कुछ बातें हो जाए, ठीक है। तो आपके क्या विचार है जो जेएनयू का प्रोटेस्ट हुआ और जो एंटी इंडिया का माहौल उन्होंने जो क्रिएट किया है, जो बातें की, तो उसके लिए क्या देखिए उसके और मैं आपको बता दूं जो रिपोर्ट्स आए थे जो किए गए थे, मुझे मैं थोड़े फैक्ट्स के ऊपर चले जाता हूँ कि जो रिपोर्ट्स की बातें हैं जो आई थी कि वहाँ पे स्लोगन लिया गया था कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, और दूसरी चीज़ ऐसा था कि अफजल गुरु को जो फांसी दी गई थी उसके बारे में प्रोटेस्ट निकाले गए थे। तो ये निहायती मुझे भी अगर प्रोटेस्ट निकाला गया अफजल गुरु के हिसाब से तो मुझे, अरे पहले दो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगी मेरे को भी, अगर एक मैं भारत का नागरिक हूँ, छोड़ दीजिए धर्म जात और ये सब चीज़ें करके, पहली चीज़ तो ये जो नारे निकाले गए कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, ठीक है, और दूसरी चीज़ है ना कि जो नौ पुलिस जो जवान जो मेरे शहीद हुए थे हमारे भारत देश के पार्लियामेंट अटैक में, उसे देखने के बजाय जो अफजल गुरु को जो प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, तो एक आम आदमी होने के कारण, एक आम आदमी होने के कारण मुझे नहीं पता, मुझे ये फील हो रहा है कि वो चीज़ें जो है ये मुद्दे पे मैं एक स्टैंड लेना चाहता हूँ कि भाई बाकी सब मैं न्यूट्रल हूँ लेकिन ये मुद्दे पे मैं स्टैंड लेना चाहता हूँ कि ये चीज़ गलत है। तो आपके क्या विचार हैं? मैं तो इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में तीन चीज़ें ऐसी थी जिस पर हम लोग को बहुत एतमाद है, एक एजुकेशन, एक हेल्थ और दूसरी हमारी जो कोर्ट वगैरह हैं, क्योंकि हमें जो इन पर बहुत एतमाद है। और जहाँ तक हम लोगों ने भी न्यूज़ पढ़ी है और चाहे प्रिंट मीडिया के ज़रिए, हम लोग प्रिंट मीडिया ही ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हमारे पास टाइम वगैरह होता नहीं, इतना वक्त नहीं होता है, तो उसमें भी कि भाई कुछ इनके नारे कुछ और थे, उसमें कुछ एडिटिंग की गई है, अच्छा ये ऐसा हम लोगों तक आया है। और अगर ऐसे नारे हैं तो हमारी जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट है, उसको तफ्तीश करें, और अगर हकीकत में ऐसा है ये किसी की तरफ से आए, अगर मैं ना उसे मुसलमान होने के हिस्से से बताऊं तो रिवायत में आता है बुज़ुर्गों का कौल है कि हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान, कि ना वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का जुज़ है। क्या बात, तो अगर हम कहें हमारे जहन में आता है कि हम जब तक हिंदुस्तान, इस बात पर मैं सही में तालियां देना चाहता हूँ आपको कि अगर हम मैं नारा लगाता हूँ कि भारत की बर्बादी तक हमको जंग लड़नी है, तो भारत बर्बाद होगा तो कौन बर्बाद होगा? हम नहीं बर्बाद होंगे, हम कहाँ जाने वाले, हम भी तो जंगल के जाएंगे, हमारी बर्बादी है। तो अगर ऐसा है तो हमारी जो हुकूमत के जो भी हमारे डिपार्टमेंट के जो, उनको तहकीक करना है, पता लगाना है, और अगर सही है तो जो गलत है उनको तो आप सजा दें, लेकिन अगर एडिटिंग के साथ है तो फिर आप उसको सही तफ्तीश करें जानिबदारी के साथ। और अगर जैसे अफजल गुरु का जो मसला है कि भाई शहीद का जो मसला है, तो जो उन्होंने हमला कर किया और जो उनके पीछे कौन था क्या पॉलिसी थी, वो गवर्नमेंट जानती है, एजेंसियाँ जानती हैं, वो बेहतर समझती है। जब हमारे गवर्नमेंट ने उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया, नहीं कहा, तो जब हम कानून की पासदारी करना हमें अपने मुल्क में रहते हुए, तो हम कौन होते हैं शहीद कहने वाले? तो हमें नहीं एहतियात करनी चाहिए कि जो हमें जो ऐसी चीज़ें से कि जिससे हमारे मुल्क का माहौल ख़राब हो, चाहे किसी वजह से हो, चाहे हमसे हो, चाहे किसी और वजह से, जो शिकायत हम दूसरों से करते हैं वही काम हम क्यों खुद करते हैं? मुझे लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं बेचारे जो यूनिवर्सिटी में हैं, जो यूथ हैं जो यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ढंग से इन्फ्लुएंस भी किया जा रहा है। बिकॉज जो अफजल गुरु थे, जब अफजल गुरु देखा जाए तो उनकी जो 2001 में अटैक हुआ है और 2013 में उनको फांसी की सज़ा हुई है, फांसी की सज़ा जो है कि वो ऑलमोस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी थी, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था, कांग्रेस प्रेसिडेंट जब था तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था जब उन्होंने उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो लेकिन जो मुद्दा है ये बेचारे बच्चों को इन्फ्लुएंस करके आज मोदी गवर्नमेंट के पीछे लेके, मेरे ख्याल से ये नहीं कि उनको इन्फ्लुएंस करके उधर पे ये मुद्दा अब उठाया जा रहा है जहाँ तक है, नहीं ये जो है ना सियासत के चक्कर में जो है बच्चों समाजी का माहौल और जो ना बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है, ये नहीं जानते कि एजुकेशन में अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो वो हमारा चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई हो, वहाँ वो नहीं पूछता कि तुम हिंदू आए हो कि मुसलमान हो। और साइंस और टेक्नोलॉजी को लिए बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, और साइंस और टेक्नोलॉजी में जो काम करता है तो वहाँ साइंस नहीं पूछती कि मुसलमान काम कर रहा है कि हिंदू काम कर रहा है, काम करने वाला तरक्की के लिए काम कर रहा है। तो अगर वो कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बताते चलो, वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने एक उन्होंने यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया, उनका मकसद ही ये था कि यहाँ पर जो आए हिंदू मुसलमान ने एक भारतीय एक हिंदुस्तानी आए और वो पढ़े। और उनका कॉल बहुत मशहूर कॉल था कि हिंदुस्तान एक जिस्म है
और हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान जो है हिंदुस्तान के जिस्म की दो आँखें हैं, अगर एक आँख भी फूट जाती ख़राब हो जाती तो हिंदुस्तान काना हो जाएगा और जिसकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। वाँ वाँ, क्या तो दोनों को जब सलामत रहना है तब हिंदुस्तान की सलामियत बरकरार है, खूबसूरती बरकरार है। क्या बात है, ये सही से अच्छी बात लगी मुझे, इज्जत की कहावत थी।